हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तीसरा है एक्सपांडिंग एज पिरामिड, लास्ट है स्टेबल एज पिरामिड। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है, वन को टू से मिलाना है। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है तब होती है जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है क्या होती है, स्लो होती है एज इट्स अप्रोचेस द कैरिंग, ये अप्रोच करती है क्या, कैरिंग कैपेसिटी को, ऑफ इट्स एनवायरमेंट। सो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल जो है ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल अगर यहाँ पे बात करें, एक्सपोनेंशियल जो है ग्रोथ में देखा जाता है कि इसमें जो है ये तब होता है जब पॉपुलेशन ग्रोस एट कांस्टेंट रेट, यानी कि एक जैसे रेट में ये क्या करता है, ग्रो करता है अंडर आइडियल कंडीशन। यहाँ पे कब होगा, जब आइडियल जो है कंडीशन होगा। इसका मीनिंग ये है कि वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ऑन रिसोर्सेस, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपांडिंग जो है दे रखा है, एक्सपांडिंग एज पिरामिड की। एज पिरामिड क्या होता है? तो ये जो होता है एक्सपांडिंग एज पिरामिड में ये देखा जाता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है, कौन, यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, हायर होता है कंपैरिजन टू जो रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट स्टेबल एज पिरामिड की। तो स्टेबल एज पिरामिड में क्या होता है, ये जो है रफली, ये क्या होता है, रफली जो है इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस डिफरेंट एज पिरामिड्स। पर्टिकुलरली बात करें जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, प्री रिप्रोडक्टिव होता है एंड रिप्रोडक्टिव कैटेगरी होता है उससे। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, ए ऑप्शन में, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो अप्रोच करता है, यहाँ पे अप्रोचेस कैरिंग कैपेसिटी। ये कब होता है, जब वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। क्या होती हैं, लिमिटेड जो है रिसोर्सेज होती हैं। इनिशियली देखा जाता है कि ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन बाद में जो है रिसोर्सेज क्या हो जाती हैं, स्कार्स हो जाती हैं, यानी कि कम हो जाती हैं, स्कार्स हो जाती हैं। सो ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज, लीडिंग टू अ स्टेबल पॉपुलेशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दे रखा है हमारे ऑप्शन बी में, लिमिटेड रिसोर्सेस। तो ये जो है हमारे ए के लिए हो जाएगा। उसके बाद देख रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, इसमें देखा जाता है बी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि जो ग्रोथ होती है, या कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रो जो करता है कॉन्स्टेंट रेट में करता है, क्या करता है, कॉन्स्टेंट रेट अंडर आइडियल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है रिसोर्सेज का। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ लीड्स टू रैपिड एंड कह सकते हैं अनचेक्ड, रैपिड एंड अनचेक्ड इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन साइज। और यहाँ जो रिसोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, अनलिमिटेड होगा, क्या होगा, अनलिमिटेड। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें
तो यहाँ दे रखा है हमारे वन जो ऑप्शन दे रखा है उसके लिए, तो ये हमारे बी के लिए हो जाएगा। सी दे रखा है एक्सपांडिंग एज पिरामिड, तो एक्सपांडिंग एज पिरामिड में ये देखा जाता है कि जो प्री प्री रिप्रोडक्टिव, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है वो ज्यादा हाई होता है किससे, जो रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होता है उससे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज से ये ज्यादा होता है। सो ये इंडिकेट करता है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन विथ हाई बर्थ रेट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्थ रेट ज्यादा है, हाई है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये जो है हमारे दे रखा है थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है कि द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, यानी कि हमारे सी के लिए हो जाएगा। लास्ट दे रखा है स्टेबल एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड में ये होता है कि ये रफली यहाँ पे इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप, और पर्टिकुलरली देखा जाता है कि डी ऑप्शन में पर्टिकुलरली जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में ये देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में देखा जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग, ये क्या हो रहा है, नहीं ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल एज पिरामिड होता है, और ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, और श्रिंकिंग या हो सकता है क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंकिंग सिग्निफिकेंटली बट इट इज स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पे हम देखें तो डी का 4 हो जाएगा क्योंकि दे रखा है द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, दोनों का क्या होता है, सेम। तो अगर ऑप्शन में देखें तो पहला दे रखा है ए का 2, ये सही है, लेकिन बी का दे रखा है 4 जो गलत हो जाता है, सी का 3, डी का 1, ये भी गलत होगा। दूसरा दे रखा है ए का 2, बी का 1, सी का 3, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4 सही है। सी दे रखा है ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, तो ये गलत होगा, डी है ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, तो ये भी गलत होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।